CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आज के हमारे प्रोग्राम से आप बहुत आशीष पाएंगे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि जब अचानक से हमारे जीवन में कोई हादसा हो जाता है जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम ऐसे समय का सामना कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल रेबेका, कई बार ऐसे होता है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं होते चीजों के लिए। अगर हम प्रिपेयर्ड है तो वो आसान है, जैसे बारिश का मौसम आने वाला है हम प्रिपेयर्ड है उसके लिए, सर्दी का मौसम आने वाला है हम प्रिपेयर्ड है उसके लिए। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे हादसे होते हैं जो हमारे ऊपर अचानक से आ जाते हैं और बहुत मुश्किल घड़ी में हम गिर पड़ते हैं। जी बिल्कुल, शायद इसलिए हम इन्हें हादसे कहते हैं क्योंकि ये अचानक से हम पर आ जाते हैं और ऐसे में अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी दिखाने जा रहे हैं ये आपको बहुत इंकरेज करेगी। आज हम आपको जोशी प्रसन्ना से मिलाने जा रहे हैं। इनके जीवन में भी अचानक से एक ऐसा हादसा आया जिसकी वजह से इन्हें अपनी राइट लेग को एम्प्यूटेट करवाना पड़ा। ये आसान नहीं है। इसके बाद इनके जीवन में बहुत सारी स्ट्रगल्स थी और इन स्ट्रगल्स का ये कैसे सामना कर रही हैं, किया है, आइए इनसे मिलकर जाने। एक फैमिली इवेंट के बाद घर लौटते समय जोशी प्रसन्ना और उनके पिता का एक बड़ा रोड एक्सीडेंट हो गया। उस समय दूसरी तरफ से एक बस आ रही थी और हमारे आगे चल रही एक लॉरी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। दोनों के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं थी और मेरा पैर उनके बीच आ गया और मैं एक तरफ जाकर गिर गई और मेरे पिता टकराकर दूसरी तरफ गिरे और बाइक पता नहीं कहां चली गई। जोशी को फौरन ही पास के अस्पताल में ले जाया गया। उस समय उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी जिसकी वजह से उन्हें हैदराबाद ले जाया गया। रात भर दर्द में तड़पती जोशी की अगले ही दिन एक इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी। जब डॉक्टर मुझे देखने आए और उन्होंने मेरे पैरों से चादर हटाई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरा एक पैर पूरा था और दूसरा पैर कट चुका था। मुझे अपने पैर को देखकर यकीन नहीं हुआ। मैं अपना कटा हुआ पैर देखकर बहुत रोई। मैं मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन मैं ये बात किसी के सामने भी उस वक्त जाहिर नहीं कर सकती थी, पर मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी थी। जब जोशी अपने साथ हुए इस हादसे को लेकर उलझन से गुजर रही थीं, तब एक पास्टर आकर उनसे मिले और उन्हें प्रोत्साहित किया। अगले दिन एक पास्टर डेविड पॉल मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है, तुम चीजों को लेकर परेशान मत हो। उन्होंने रोमियो के 8वें अध्याय की 28वीं आयत सुनाई। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। लगभग एक महीना अस्पताल में बिताने के बाद जोशी घर वापस आ गईं। धीरे धीरे उन्होंने अपने नकली पैर के साथ जीना सीख लिया और अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। परमेश्वर ने मुझे सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में मदद की। हर साल मैं अपने एग्जाम के लिए तिरुपति जाती थी और इसी तरह मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। वापस आने के बाद मैंने अपनी BSc नर्सिंग की। मेरी ऐसी हालत होने के बावजूद पढ़ाई की लगन को देखकर मेरे रिश्तेदार और पड़ोसी चौंक गए। हालांकि उनमें से किसी ने भी कभी सामने आकर कुछ नहीं कहा, पर मैं उनके चेहरों पर सवालों को पढ़ सकती थी और इसके साथ ही मैंने अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी भी देखी। हालांकि जोशी अपने नए जीवन को अपनाकर उसमें ढल चुकी थी, लेकिन रिश्तेदारों के कुछ सवालों ने उन्हें परेशान कर दिया। मेरे रिश्तेदार और पड़ोसी मुझे देखने आए थे। वो सभी मेरे लिए बहुत बुरा महसूस कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी मुझसे मेरी हालत या मेरे फ्यूचर के बारे में सीधे सीधे कोई भी बात नहीं की थी। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे बारे में मेरे माता पिता से बात की होगी कि ये एक लड़की है और इसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली है, लेकिन अब आगे क्या, इसकी शादी के बारे में क्या सोचा है, सारी जिंदगी तो ये ऐसी नहीं रह सकती, वगैरह वगैरह बोला होगा। अपने जीवन में इस उठते तूफान के बीच जोशी ने प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास बांधा और अपने भविष्य को उनके हाथों में सौंप दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जोशी ने महसूस किया कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कितने सुंदर बदलाव लाना शुरू कर दिया था। मुझे एक बहुत ही अच्छे पति मिले जो मुझे समझते हैं और मुझे हर चीज में सपोर्ट करते हैं। मई 2018 में मेरी शादी हुई। 2019 में हम एक बेटा पाकर आशीषित हुए और 2020 में परमेश्वर ने हमें एक बेटी देकर दोबारा आशीषित किया। अब हम बहुत खुश हैं। शादी के बाद जब मुझे अपनी माँ बनने का पता चला तो उस दौरान मेरे लिए 9 महीने तक एक बच्चे को अपने पेट में पालकर अपने अपाहिज शरीर के साथ चलना फिरना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद भी डिलीवरी के हर समय हर पल परमेश्वर ने हमेशा मेरी मदद की।
आज जोशी एक स्वस्थ और सामान्य जीवन जी रही हैं और वो प्रभु यीशु मसीह को हर कठिन समय में उनकी मदद करने के लिए महिमा देती हैं। परमेश्वर ने मुझे आज तक जो कुछ भी दिया है मैं उसके लिए उनका धन्यवाद कहना चाहती हूँ। चाहे मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आई हों उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि परमेश्वर ने मुझे उनका सामना करने का साहस दिया। उन्होंने मुझे चलने में मदद की, हर कदम पर वो मुझे संभाले हुए हैं। बात चाहे शादी की हो या मेरे परिवार के बारे में, परमेश्वर का मुझ पर हमेशा आशीर्वाद रहा है। उन्होंने मेरी मदद की है, मुझे अच्छे पति और अच्छे बच्चे दिए हैं और हमेशा मुझे आशीषित किया है। इन सभी बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। कितनी खुशी के साथ जोशी प्रसन्ना एंगेजमेंट पर जा रही थी, पर अचानक से इतना बड़ा हादसा उनके साथ हो गया कि उन्होंने अपनी एक टांग खो दी। इतना आसान नहीं है इतने बड़े हादसे को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना, लेकिन जोशी ने हिम्मत पाई, परमेश्वर से हिम्मत पाई। और देखिए कितना अच्छा है ना राहुल, कि आज वो शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। गॉड मेड एवरीथिंग पॉसिबल इन हर लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल रिबेका, और यही उनके पास्टर ने उनसे कहा था कि परमेश्वर बुराई में भी भलाई उत्पन्न करता है। दैट इज सो एनकरेजिंग दोस्तों। शायद हम भी ऐसे हालातों में होंगे जहां हमें लगता है सब कुछ बुरा बुरा सा हो रहा है, प्रभु ये क्या हो रहा है, लेकिन हम भी परमेश्वर पे भरोसा रखें कि हाँ ये सच है कि बुरा हो रहा है, लेकिन इसमें भी प्रभु कुछ भलाई उत्पन्न करेगा। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है, आपने हमें इनकरेज किया कि गॉड ऑलवेज ब्रिंग्स आउट गुड फ्रॉम एवरी सिचुएशन एज लॉन्ग एज वी ट्रस्ट हिम। बस अपना भरोसा हम परमेश्वर पर बनाए रखें और वो भलाई लेकर आएगा। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि जब कभी हमारे जीवनों में अचानक से हादसे आ जाते हैं, जैसे इस महामारी का हमने किसी ने भी तैयारी नहीं की थी, लेकिन ये महामारी हम पर एक तरीके से टूट पड़ी है और हमें एकजुट होकर प्रभु पे भरोसा रखकर इससे लड़ना है। मैं शास्त्र से कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि शास्त्र में जब हम प्रेरितों के बारे में सोचते हैं, जो नए करार के प्रेरित है, दिग्गज है, हमें लगता है ये तो ऐसे चमत्कार करने वाले होंगे कि इन्होंने चुटकी बजाया और लोग ठीक हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारे ही तरह लोग थे, विश्वास में मजबूत थे, प्रभु में मजबूत थे, लेकिन वो भी निराशा के दौर से गुजरे। और ऐसे समय में जब अचानक से हादसे वगैरह हुए तो उन्होंने क्या किया, आइए पौलुस का उदाहरण देखते हैं। फिलिपियों की दूसरे अध्याय में पौलुस जिक्र करता है उसके एक शागिर्द के बारे में जिसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है, इपैफ्रोदीतुस। इपैफ्रोदीतुस उसका एक शागिर्द था जो दूसरे नगर से उसके पास आया और उसके साथ रह रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि अचानक से इपैफ्रोदीतुस बहुत बीमार हो गया और पौलुस उसको ठीक नहीं कर पा रहा। तो ये पौलुस का सामर्थ नहीं है, ये परमेश्वर का सामर्थ। लेकिन आइए देखते हैं पौलुस की प्रतिक्रिया क्या है, बहुत खूबसूरत है। फिलिपियों का दूसरा अध्याय की ओर मुड़ते हैं, फिलिपियों 2:25-27 में आपके लिए पढ़ता हूँ। फिलिपियों 2:25 कहता है, मैंने इपैफ्रोदीतुस को जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ। इस कारण वह व्याकुल रहता था क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था, और निश्चय वह बीमार तो हो गया था यहां तक कि वह मरने पर, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर ही नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। दोस्तों ये वचन कितने सच्चे, और उस कह रहा है वो बहुत चुनौतियों से गुजर, अलग अलग चुनौतियां उन पर थी, और जब उसने देखा कि वो उसका एक करीबी दोस्त शागिर्द सहकर्मी बहुत बीमार हो गया, और उसने क्या किया, और उसने परमेश्वर से विनती की, और इपैफ्रोदीतुस ने भी परमेश्वर से विनती, और शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने उन पर करुणा दिखाया, दया दिखाया। और उस कहता है God showed me mercy। दोस्तों इस मुश्किल के समय हम क्या, हम कुड़कुड़ा सकते हैं, हम इसको दोष दे सकते हैं, उस पर इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन हमें भी पौलुस की तरह परमेश्वर की ओर नजरें लगाना है, विनती करना है परमेश्वर से कि परमेश्वर तू हम पर भी अपनी करुणा दिखाए। हाँ ये सच है कि ये हादसे अचानक से हुए हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए हादसे अचानक नहीं है। परमेश्वर अचानक से इन हादसों को देखकर ये नहीं कह रहा ओहो ये क्या हो गया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है और वो इस मुश्किल घड़ी में भी हमारा साथ देगा और हमें इस महामारी से बचाएगा, छुड़ाएगा। परमेश्वर पर भरोसा रखें दोस्तों, हमें यकीन है परमेश्वर इस समय में भी हमारे साथ है और उसका हाथ हमारे ऊपर।
जी बिल्कुल, थैंक यू राहुल फॉर इनकरेजिंग अस। वाकई इन हादसों के बीच में भी परमेश्वर हमसे कहता है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और जैसे कि राहुल ने हमें इनकरेज किया, हम परमेश्वर से मदद मांगे, परमेश्वर से मदद पाएं और इन हादसों पर हम ज़रूर विजयी हो पाएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और परमेश्वर से मदद चाहते हैं और परमेश्वर के साथ प्रार्थना में आप हमसे मदद चाहते हैं, तो डू कॉल अस ऑन आर सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर 9910401010। हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। दोस्तों, अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं और सेहत और जिंदगी में हम एक नए फल के गुण के बारे में जानेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर से मदद और हिम्मत पा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम किसी हादसे से गुजरते हैं, किसी मुश्किल समय से जो अचानक हम पर आ पड़े, तब हम कैसे इस मुश्किल टाइम पर विजयी हो सकते हैं और कैसे हम परमेश्वर से सामर्थ पा सकते हैं। बिल्कुल रिबेका, दोस्तों परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है, वो हमारा ख्याल रखता है, उसे हमारी सेहत की भी पड़ी है और हमारी जिंदगी की भी पड़ी। इसलिए आज सेहत और जिंदगी में हम आपको एक नए पौधे के बारे में, नए पेड़ के बारे में बताना चाहते हैं जो है चूड़ा। आइए हम देखते हैं कि इस पेड़ के क्या गुण हैं जो हमारे लिए कैसे लाभदायक हो सकते। आज हम जिस पेड़ के पास खड़े हैं, इसको चूड़ा या घी का पेड़ कहते हैं। ये कुमाऊं मंडल का पौधा है और नेपाल की पहाड़ी में भी पाया जाता है। हम इसको बड़े मुश्किल से यहाँ गढ़वाल मंडल के क्षेत्र में, यहाँ छिद्रवाला जंगल में 3 पेड़ लाए हैं। ये यहाँ जो देख रहे हैं, ये बहुत छोटा पौधा, 3 साल का पौधा है, लेकिन ये एक विशाल रूप ले लेता है, महुए की तरह बड़ा पेड़ होता है और उसी की तरह इसका बीज होता है, उसी की तरह का इसका फल होता है। जब इसमें फूल आते हैं और फल आते हैं तब इसका उपयोग होता है। आज जैसे परमेश्वर ने हम लोगों के लिए गाय भैंस के द्वारा घी का प्रबंध किया है, लेकिन इसको प्रकृति ने ऐसे प्रबंध किया है कि इसके बीज में घी और तेल की मात्रा पाई जाती है और घी की तरह इसका पूरा सेवन किया जाता है। ये शरीर में जिस तरह हमारा देसी घी या गाय का घी या वनस्पतियों का घी काम करता है, उसी तरह ये भोजन के साथ पच जाता है और आसानी से पच जाता है। तो ये प्राकृतिक घी होता है, ये पचने में भी आसान है और हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है और तमाम हमारे मस्तिष्क को ठंडा रखता है, हमारे हृदय को ठंडा रखता है और तमाम हमारे शरीर में पौष्टिकता पहुंचाता है, जो हम कई बीमारियों की उससे मुक्ति पा सकते हैं। इसका उपयोग विशेषकर इसके पत्ते का, हम लोग गाँव में दोना बना लेते हैं, पत्तल बनाते हैं, इसके पत्ते का उपयोग करते हैं, लेकिन इसका जो बीज होता है, बीज को हम ले जा करके इसका तेल कोल्हू में निकलवा करके तेल के रूप में जब लाते हैं तो घी के समान जम जाता है।
इसका सेवन करने में कोई विशेष सावधानी नहीं बरतनी पड़ती, ज़्यादा मात्रा में न खाएं लोग। आसपास के लोग जो जानकार हैं, जो इसके बारे में जानते हैं कि ये घी वाला पेड़ है या महुआ की प्रजाति का पेड़ है, तो उनसे सलाह लेकर के इसका सेवन करें तो बहुत ही लाभकारी होगा। परमेश्वर ने इस पेड़ को, जिसको चिवड़ा या घी का पेड़ कहते हैं, इसको हमारे लिए रख छोड़ा है। इसको हम इसको बचाएं और इसका उपयोग करें और निरोग रहें, एक नई जिंदगी पाएं। वाह, कितना लाभदायक है ये पेड़ रवेगा, जिसे उन्होंने कहा कि इस पेड़ से भी घी निकल सकता है। दोस्तों, हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि इसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपने डॉक्टर से जरूर सलाह मशवरा कीजिए इससे पहले कि आप इसका सेवन करें। बिल्कुल, और परमेश्वर चाहता है कि हम एक भरपूरी का जीवन जिए, एक हेल्दी जीवन जिए, और इसके लिए परमेश्वर ने हमारी प्रकृति में कितने सारे तोहफे हमारे लिए रखे हैं, और इन्हीं के बारे में इन्फॉर्मेशन हम सेहत और ज़िंदगी के द्वारा आपके लेकर आते हैं। आशा करते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने जीवन में, अपने रोजाना जीवन में इस्तेमाल करके एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, अब समय है ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर विजिट कर सकते हैं और कई सारी जानकारी पा सकते हैं। अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो डू स्टे विद अस। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे मुश्किल घड़ी में, जो अचानक से हम पर आ टूट पड़ती है, कैसे हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं और परमेश्वर पर यकीन रख सकते हैं कि वो जरूर यकीनन हमें इस मुसीबत से छुड़ाएगा। बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने चैलेंजेस को भी हम ओवरकम कर सकते हैं। और आइए दोस्तों, अब समय की हम प्रार्थना में आगे बढ़े और पढ़ेंगे कुछ रिक्वेस्ट जो आपने हमें भेजी है। और आज की पहली रिक्वेस्ट है अंजलि की। अंजलि कह रही हैं, मेरे पापा को 5 साल से पैरालिसिस है, जिसकी वजह से उनकी एक आई डैमेज हो गई है। कृपया प्रार्थना कीजिए ताकि मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाएं। बिल्कुल अंजलि, वी वुड लव टू प्रे फॉर योर पापा, ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएं और उनकी आँख भी ठीक हो जाए और इस पैरालिसिस में से वो बाहर निकल सके। Yes. अगला प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो हमें आशीष ने भेजा है और वो कह रहे हैं, मेरी आंटी को कैंसर हो गया है, कृपया प्रार्थना कीजिए ताकि मेरी आंटी जल्दी ठीक हो जाए। जरूर आशीष, हम जरूर प्रार्थना करेंगे कि आपके आंटी पर परमेश्वर अपनी कृपा दिखाए। जी बिल्कुल, और एक और मैसेज आज हमारे पास आया है ऋतु दर्शन का, जो कह रही हैं, कृपया रोमन रेंस के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि वो ब्लड कैंसर की बीमारी से जल्दी ठीक हो जाए। ऋतु, हम जरूर रोमन के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो इस बड़ी बीमारी में से निकल सके, अच्छी सेहत को पा सके। दोस्तों, शायद हम जानते हैं कि आप भी ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो बीमार है, या आपके घर में कोई होगा, आपका दोस्त, या शायद आप खुद इस बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें उस परमेश्वर से जो हम पर अपनी कृपा को उंडेलता है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू अच्छा और भला है, तू करुणा निधान, तू जानता है कि हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और तू अपनी कृपा जैसे पौलुस पर और इपैफ्रोडीतुस पर तूने बरसाई, वैसे हम पर भी तू बरसाएगा। अपनी दया और करुणा से हमें ढक कर रख परमेश्वर इस महामारी के दौर, इस मुश्किल दौर में। प्रभु, हम तूने हमारा हाथ हमें रखा है, जैसे तूने पतरस का हाथ हमें रखा, वैसे हमें यकीन है प्रभु कि तू हमारा हाथ भी हमें रखेगा, क्योंकि हमारा यीशु बचाने वाला, छुड़ाने वाला, हमारा भरोसा तुझ पर है। हम सारे दर्शकों के लिए और जो प्रार्थना बिंदी आई है उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन्हें सुरक्षित रख और स्वस्थ कर। ये प्रार्थना हम तेरे समर्थी नाम में करते हैं, आमेन आमेन आमेन। दोस्तों याद रखिए, गॉड इज फुल ऑफ मर्सी, परमेश्वर दया और करुणा से भरपूर है। बिल्कुल, और परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसी विश्वास के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज परमेश्वर अपने वचन से
हमें क्या बता रहे हैं। वाओ, कितना अच्छा वचन है, और यही तो सही समय है कि हम इस वचन को पढ़ें, इसको जानें, इसको समझें कि हम परमेश्वर के सामर्थ में सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथेंस अस। हमने जोशी प्रसन्ना के जीवन में भी देखा राहुल कि किस तरह उनकी एक टांग ना होने के बावजूद वो अपने जीवन में कितना कुछ कर पाई और कर रही भी हैं। दैट इज ट्रूली एडमिरेबल। इन फैक्ट रेबेका, जब ये लिखा गया ये वचन कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथेंस मी, पौलुस खुद एक चीज से जूझ रहा था। बाइबल कॉल्स इट थॉर्न इन हिज फ्लेश, एक ऐसा कांटा जो शायद उसके शरीर को कमजोर कर रहा था या उसे कमजोर कर रहा था, और उसने परमेश्वर से विनती की कि प्रभु इस मुश्किल से मुझे छुड़ा। लेकिन परमेश्वर उसे कहता है कि ना, ये मुश्किल में मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और उस अनुग्रह को पाकर पौलुस कहता है कि हाँ, मुझे यकीन है कि मैं सब चीजें कर सकता हूँ मसीह के द्वारा जो मुझे बलवंत कर। परमेश्वर ही है जो हमें हमारी मुश्किल चैलेंजेस में से और स्ट्रॉन्ग बनाता है, और स्ट्रॉन्ग बना करके बाहर लेकर आता है, और हमें विजयी बनाता है दोस्तों। बिल्कुल, और दोस्तों अंत भला होगा क्योंकि हमने परमेश्वर पर भरोसा किया है। जोशी प्रसन्ना की खूबसूरत कहानी से हमने देखा कि इतनी मुश्किल घड़ी से गुजरने के बावजूद परमेश्वर ने उन्हें संभाला, और आज उनका जीवन कितना सुखद है। तो हम आपको भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि हाँ, ये मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हम याद रखें कि हमारे नाम में यीशु मसीह है। तो इस तूफान का भी सामना हम कर पाएंगे क्योंकि प्रभु हमारे नाम में। जी बिल्कुल, और दोस्तों आपसे अब इजाजत लेने का समय आ गया है। दिलदारा है यीशु, ये खूबसूरत गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं जो हमें बताता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक भला परमेश्वर है। वो भलाई से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है हम सबके लिए, करुणा से भरा हुआ है, और जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो हमारे साथ है, और उसमें से भी भलाई को ही उत्पन्न करता है। आप इस गीत को सुने, इसे एंजॉय करें, इससे बहुत आशीष पाएं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे यही 6:30 कलर्स चैनल पर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस। रहमत है मुझ पे तेरी, तूने हर पल थामा है मुझको दिल से, सुबह से लेके शाम तक।